कहते हैं जब किसी देश के बारे में जानना हो तो वहाँ के फिल्मों के माध्यम से आप उस देश की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में दो दिवसीय चलने वाले कार्यक्रम के दूसरे दिन फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स फ्रॉम साउथ कोरिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट AAFT और ICMEI, वांग शिनमिंग, मिनिस्टर काउंसलर एम्बेसी ऑफ चाइना, अल्फ्रेडो काल्डेरा, चार्ज द अफेयर्स एम्बेसी ऑफ वेनेजुएला टू इंडिया, युंग कू हान, फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम साउथ कोरिया, जे हो ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट OTT प्लेटफॉर्म साउथ कोरिया, जेना चुंग, गुडविल एम्बेसडर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सर्विसेज सियोल, नाम सूक ओम, प्रेसिडेंट कोरिया इंडिया कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज एसोसिएशन, हैबिन सॉन्ग मौजूद रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI और AFT के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, दो दिवसीय फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स फ्रॉम साउथ कोरिया का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। बहुत सारे फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई और फिल्मों से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिल्मों के माध्यम से दो देशों को जोड़ा जाता है। कार्यक्रम में फिल्म वी गॉन बी ऑल राइट डायरेक्टेड बाय मिन कुक पार्क फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवान द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य अतिथियों को मेंबरशिप ऑफ इंडो साउथ कोरिया फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आज का ये साउथ कोरियन सिनेमा का दूसरा दिन है और हम लोग कुल मिलाकर तीन फिल्मों का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि दूसरे दिन भी उसी तरीके की चहल पहल है जिस तरह कल पहले दिन की थी, और मंच पर जो लोग कोरिया से आए हैं वो तो मौजूद थे, इसके साथ साथ एक पूरी डेलीगेशन जो है वो चाइनीज़ एम्बेसी से यहाँ पर मौजूद है। चार्ज अफेयर्स वेनेजुएला के यहाँ पहुँचे हुए हैं और इससे पूरे कार्यक्रम में चार चांद और लग गए। इन सभी लोगों ने हमारे इस कार्य को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और वेनेजुएला के लोग भी और चाइना के लोग भी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं वो भी प्रोत्साहित हो गए हैं और वो भी हमें अब कह रहे हैं कि हम लोग चाइनीज़ फिल्म फेस्टिवल और फिल्म्स फ्रॉम वेनेजुएला वो वाला फेस्टिवल भी अब जल्द ही मारवा स्टूडियो में आयोजित किया जाएगा। सर, इतने सारे फिल्म फेस्टिवल यहाँ होते हैं, इसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मारवा स्टूडियो को किस तरीके से इससे इम्पैक्ट मिलता है? देखिए, बूंद बूंद से नदी बने और नदी नदी से सागर, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग जैसे आज साउथ कोरियन फिल्मों का आयोजन कर रहे हैं तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। इन तीन पिक्चरों के दौरान जो तकरीबन 400 ऑडियंस यहाँ पे जुड़ेगी, वो एक नया मैसेज लेकर बाहर जाएगी। उनको पता चलेगा कि हिंदुस्तान और साउथ कोरिया के बीच में एक घनिष्ठता, एक बड़ा अच्छा संबंध है, और हम लोग सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बल्कि आर्ट और कल्चर के जरिए भी एक दूसरे के देशों की कल्चरों की सराहना करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनको सीखने की कोशिश करते हैं, उनकी भाषा पे हम लोग तवज्जो दे रहे हैं, उनके रहन सहन खान पीन उनके उठने बैठने के ढंग को हम लोग समझना चाहते हैं, और उसी तरीके से लोग हमारे देश के बारे में भी जानना चाहते हैं। हर एक इवेंट से देश का उजागर होता है, देश हमारे जो देश का जो हिंदुस्तान का जो मैसेज है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है, और इस बार G20 के जरिए हम लोगों ने इसी पूरी भाषा को तमाम दुनिया के अंदर ये फैलाने की कोशिश की है, और जब हम अपने हिस्से का काम अपने पास रखते हैं और इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के जरिए पूरे देश भर और दुनिया भर को बांधने की कोशिश करते हैं। हमारा तात्पर्य मकसद यही है कि हम लोग लव पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, इस तरीके से अपने संदेश को इन कार्यक्रमों के जरिए, इन आए हुए विदेशियों के जरिए और आई हुई ऑडियंस के जरिए पूरे देश में और दुनिया में फैलाने की कोशिश कर वेनेजुएला एम्बेसी। इट्स फॉर मी इन अ प्लेजर स्टे इन दिस इवेंट फॉर
an Hindu film festival because it's a very important industry, the movie in the world, and this the possibility to exchange to bigger industrial of movie. And I invite to all to exploring this important kind the movies, because it's a different to cap movies and independence movie to Korea. This is my second time to attend Indian Film Festival after the pandemic, and I'm really impressed about the Indian film industry's market and this students' passion to the Indian film industry. Apro 한국 인도하고 문화 교류 중에 특히 영화를 서로 교류해서 앞으로 좋은 뭐 작품이 나오도록 하겠습니다. I'm really interested in the field of the cultural exchange. And through the film, making the film, I would like to cooperate with the India's Korea's cultural development. Thank you. Change Association, Namsuk Ong. What would you like to say about the event? 이번 행사에 어떤 느낌인지. 한국과 인도는 2000년 전부터 아요데아 허황후와 김해 김수로 왕이 결혼한 역사를 가진 형제 자매 나라입니다. South Korea and India share this history 2000 years back. And South Korea and India is a sister and brother country for India and Korea people. 인도는 세계 2위 인구 대국을 가지고 있으면서 아이르베다 요가, 영화, 문화를 사랑하는 민족이라고 생각합니다. I really admired about the Indian culture, so it's like the Ayurveda and Yoga, which is also have a thousands history. 이번 팬데믹 이후에 처음 마리오아 스튜디오에서 열리는 한인도 영화 포럼에 이렇게 여러분들이 관심을 가져주셔서 감사합니다. I'm really appreciated to Indian audience and Indian students who are participating and attending this function after the 3 years pandemic. Thanks. 여러분은 문화를 사랑하는 민족이기 때문에 칸 영화제, 오스카상, 미국의 아카데미 주연상도 충분히 받을 수 있는 자질을 가지고 있습니다. 한국이 한국의 발전된 시스템이 여러분들하고 서로 협력하기를 원합니다. And further, I would like to cooperate in the field of the film industries with the Indian students and Indian Academy because I really admire about the Indian culture and its history. 여러분들은 이제 그만하세요. 여러분들은 충분히 할 수 있습니다. 서로 협력합시다.